सेकेंड ईयर अब हमने पढ़ लिया स्पोर्ट जो होते हैं, कौन सी टिश्यू प्रोवाइड करते हैं और उनके सेकेंडरी जो है क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं स्पोर्ट के अलावा जो प्लांट्स को मिल जाते हैं उन टिश्यू से। अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, अब आपको पता है कि जो है प्लांट्स जो है वो फिक्स पोजीशन में होते हैं। ठीक है, अब तमाम ऑर्गेनिजम्स के पास ये एबिलिटी है कि वो एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस से मुराद ये है कि एक्सटर्नल है जो एनवायरनमेंट में किसी किस्म का स्ट्रेस है या कोई भी जो स्टिमुलस है। ठीक है, और इंटरनल क्या होता है, जब बॉडी के अंदर अपनी किसी चीज़ की कमी या ज्यादती हो उसको इंटरनल स्टिमुलस कहते हैं। चाहे इंटरनल स्टिमुलस हो या चाहे एक्सटर्नल स्टिमुलस हो, ऑर्गेनिजम्स के पास ये एबिलिटी है कि इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कोई एक्शन करते हैं किसी तरह का। ठीक है, अब एनिमल्स का रिस्पॉन्स और प्लांट्स का रिस्पॉन्स इस लिहाज से फ़र्क है, क्यों कि प्लांट्स फिक्स्ड है और एनिमल्स फिक्स्ड नहीं है। तो एनिमल्स जो है वो किसी भी स्टिमुलस के ऊपर, जो चाहे इंटरनल स्टिमुलस है या एक्सटर्नल स्टिमुलस है, वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं कि वो अपनी लोकेशन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इंटरनल स्टिमुलस है यानी कि हंगर है, भूख है, प्यास है, तो क्या करेंगे कि उस फूड की तरफ जाएंगे। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस है, कोल्ड है, हीट है, फियर है, तो उस जगह को छोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे भी रिस्पॉन्स देंगे, चेंज दे लोकेशन के थ्रू रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन प्लांट्स क्योंकि फिक्स्ड हैं वो लोकेशन अपनी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ प्रोटिस्ट ऐसे हैं, कई जो सिंगल सेल प्रोटिस्ट हैं जो अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जिनको हम प्लांट्स कहते हैं वो फिक्स है और चेंज नहीं कर सकते लोकेशन। तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस पर कि हमें पता चलता है कि कोई उनको स्टिमुलस हो, या अपना ग्रोथ पैटर्न चेंज कर देते हैं। इंटरनल स्टिमुलस हो या एक्सटर्नल स्टिमुलस हो, इनका ग्रोथ पैटर्न उसके लिहाज से चेंज हो जाता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जब हम टाइप ऑफ द मूवमेंट, अब हम टाइप्स ऑफ द मूवमेंट पढ़ेंगे प्लांट्स की, और ये इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस किस्म का स्टिमुलस मिल रहा है, एक्सटर्नल या इंटरनल। तो हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है मूवमेंट्स को प्लांट की, एक को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट और दूसरे को हम कहते हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स। ऑटोनॉमिक मूवमेंट कौन सी होती है, जो इंटरनल स्टिमुलस की वजह से, यानी कि सोर्स ऑफ स्टिमुलस जिसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करता है, मूवमेंट जो होती है वो ड्यू टू इंटरनल कॉजेज है। ठीक है, लेकिन पैराटोनिक मूवमेंट है वो एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे जो दो टाइप्स हैं उनमें से, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। ठीक है, ऑटोनॉमिक मूवमेंट जो इंटरनल स्टिमुलस की वजह से होती है वो मजीद उनकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, टैक्टिक मूवमेंट, टर्जर मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट। अब हम इस लेक्चर में टैक्टिक मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, टैक्टिक मूवमेंट का मतलब है कि एंटायर सेल या ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पूरा सेल या ऑर्गेनिज्म जो है ना वो मूव करे, लेकिन किसकी वजह से, स्टिमुलस का जो सोर्स है वो इंटरनल हो। ठीक है, और मे बी टैक्टिक मूवमेंट पॉजिटिव हो सकती है अगर ये टुवर्ड्स द स्टिमुलस है, या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है तो नेगेटिव। ठीक है, टैक्टिक मूवमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी, अगर टुवर्ड्स द स्टिमुलस है तो पॉजिटिव है, अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है तो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, मजीद टैक्टिक मूवमेंट को फर्दर क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है, और इसको नेचर किस स्टिमुलस की नेचर के ऊपर डिपेंड करते हुए, ठीक है, एक को हम कहते हैं फोटोटैक्टिक और एक को कीमोटैक्टिक। अब जैसे नाम से जाहिर है, फोटोटैक्टिक क्या होगा, इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ द लाइट। ठीक है, और कीमोटैक्टिक जो है स्टिमुलस जो है रिस्पॉन्स है ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ केमिकल्स। ठीक है, अब फोटोटैक्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि लाइट स्टिमुलस का सोर्स होता ही है, लेकिन किस तरह होती है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जा रही है लाइट, तो उसका कोई पार्ट या उसका कोई जो है ना सेल मूव करे टूवर्ड्स द लाइट, कि वो लाइट को कैप्चर सही नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मूवमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होती है ड्यू टू साइक्लोसिस, ठीक है, इसको पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं, कि एक जो है ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे क्लाइमेटोमोनास वगैरह, ठीक है, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट
मौजूद है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब लाइट जो है उसकी इस तरह पड़ रही है लाइट इंटेंसिटी कि यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी कम आ रही है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से लाइट को उस वक्त कैप्चर, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो क्लोरोप्लास्ट है वो लाइट को कैप्चर नहीं कर पा रहे, ठीक है। इंटरनल स्टिमुलस हो गया क्योंकि इनके अंदर कमी हो रही है इंटेंसिटी की, ठीक है। तो ये मूव करके इस तरफ आएंगे ताकि लाइट इंटेंसिटी तो कम है लेकिन उसको वो कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसको मूवमेंट कराएगा वो साइक्लोसिस है। साइक्लोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। हर वक्त जो है ना साइटोप्लाज्म मूव करता रहता है, तो वो जो है क्लोरोप्लास्ट को खुद ब खुद मूव करा के इस तरफ ले आता है। मूवमेंट जो होती है ना वो किसकी वजह से होती है? साइक्लोसिस की वजह से होती है, लेकिन क्योंकि लाइट की तरफ हो जाती है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट हुई है, ठीक है। और इसकी वजह से जो होता है क्लोरोप्लास्ट क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कर सके। उसके मुकाबले में कीमोटैक्टिक मूवमेंट क्या होती है कि ये जो केमिकल्स के रिस्पॉन्स के ऊपर होती है, इसमें जो है लिवरवर्ट्स जो है ना कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है। ये लेकिन प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं कि ये वाटर के अंदर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं और ये अपने स्पर्म को या एंथ्रीडिया को जो है वो क्या करते हैं, वो रिलीज कर देते हैं इंटू द वाटर, ठीक है। और आर्चिगोनिया जो होता है इसका क्या होता है, इसका फीमेल पार्ट होता है जिसके अंदर एग होता है। अब इन्होंने जो है ना लिवरवर्ट्स, मॉसिस और फर्न्स तीन तरह के प्लांट्स हैं जो अपने स्पर्म्स को या एंथ्रीडिया को वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब इन्होंने मूव करके जाना है आर्चिगोनिया की तरफ, तो फर्टिलाइजेशन होगी। अब आर्चिगोनिया की तरफ ये कैसे जाएंगे? आर्चिगोनिया जो है वो क्या करता है, कुछ केमिकल्स यानी कि न्यूक्लिक एसिड को रिलीज करता है, ठीक है। ओवम, आर्चिगोनिया के अंदर जो ओवम है, एग है, और वो न्यूक्लिक एसिड जब चला जाता है स्पर्म्स के अंदर और उस स्पर्म की मूवमेंट कराता है टुवर्ड द आर्चिकोनिया, तो लेकिन केमिकल्स क्योंकि स्पर्म के अंदर चला गया इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये इंटरनल स्टिमुलस है। और मूवमेंट क्या हुई? आर्चिकोनिया की तरफ हुई, तो इसको हम कहेंगे कीमोटैक्टिक मूवमेंट है, क्योंकि मूवमेंट किसने कराई है? किसी केमिकल ने कराई है, ठीक है। ये हो गई इसकी जो कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट की फर्स्ट टाइप थी, जो कि टैक्टिक मूवमेंट कहलाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगली जो है टर्जर मूवमेंट।